हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करेंगे जो आपका ई कॉमर्स डेवलपमेंट करेंगे, मतलब एक ई कॉमर्स का ऐप बनाएंगे जो सिमिलर होगा आपके अमेज़ॉन की तरह। इसके बाद फ्लिपकार्ट, आप ऐसे समझ लो कि मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को कॉपी करूँगा आने वाली सीरीज़ में। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अगर वो लोग भी चाह रहे हैं कि नो कोड ऐप बनाना कोई, तो हमारा चैनल देख के, हमारे वीडियोस देख के वो समझ जाएंगे कैसे तरह बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने तो आपको प्रोजेक्ट ऐड करना बता दिया था। यहाँ से आप पहले क्रिएट न्यू क्लिक कर लोगे। क्रिएट न्यू करने के बाद यहाँ पर लिखो आप अमेज़ॉन नो कोड, यहाँ से क्रिएट न्यू कर दो। शुरू में तो हम लोग सिर्फ डिज़ाइन देखेंगे, तो अभी मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें, मतलब कोई भी फायरबेस इंटीग्रेशन नहीं करेंगे फ़िलहाल के लिए। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ स्किप, पहले डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने से पहले एक बार मैं जितने भी कलर्स हैं अमेज़ॉन में उन सबको चेक कर लेता हूँ। मैं अमेज़ॉन ओपन करता हूँ यहाँ से। अमेज़ॉन तो जो कलर्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे ना यहाँ से, एक मिनट, ये तो ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐप वाला करेंगे, तो ऐप वाले कलर को ही रखते हैं। यहाँ पे सेटिंग में आएंगे, एक्सप्लोर थीम्स में देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा है थीम्स। ये रहा, शायद यही वाला कलर इस्तेमाल होता है आपके अमेज़ॉन पे। हाँ यही वाला है। सेव चेंजेस कर लेते हैं, इस पर आते हैं। ये आपका रहा, चलिए पहला पेज बनाते हैं अमेज़ॉन का। पहले पेज में आपका है ऊपर एक सर्च बॉक्स है, मतलब ऐप बार के अंदर ये सर्च बॉक्स बना हुआ है। तो इसको करने के लिए आप यहाँ से कर दो फ्लेक्सिबल इसकी स्पेस, यहाँ से फॉर्म फील्ड, फॉर्म नहीं, यहाँ पे आप ले लो यहाँ से टेक्स्ट फील्ड। ज़रूरी नहीं सेंटर में है तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से, यूज सेंटर टाइटल करते हैं। ये रहा आपका, हो गया। इसको मैं देता हूँ थोड़ी सी पैडिंग, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। एक मिनट, मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा नीचे, फिर लेफ़्ट और राइट पैडिंग कर देता हूँ। यहाँ से राइट में पैडिंग कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा ऊपर से दे देता हूँ पैडिंग, 5 की यहाँ पर और 5 की नीचे से। नहीं, नीचे वाला ना दो, नहीं तो वो ऊपर थोड़ा सा चला जा रहा है। इसको मैं करता हूँ अंदर से वाइट, तो आप नीचे आना यहाँ से फिल कलर में देख लो, यहाँ से फिल कलर कर देना हमको यहाँ से वाइट, जो हमारा प्राइमरी बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस देना है हमें, इसको दे देते हैं हम 10 का बॉर्डर रेडियस। ये हो गया आपका। एक चीज़ और आप देखोगे अगर अमेज़ॉन के ऐप में, उसमें आपको एक QR कोड स्कैन करने का भी दिखा रहा है, QR कोड नहीं है वो, कैमरा स्कैन करने वाला है वो भी दिखा रहा है, तो वो वर्किंग में है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको भी ऐड कर देता हूँ। उसको करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको रैप कर दो कंटेनर में, अगर हो जाए तो। हाँ ये हो गया है, तो कंटेनर रैप हो गया। जब ये आप इसको पूरी तरह साइज में कर दो यहाँ से, और इसको ऐसे कर दो। एक मिनट, ये थोड़ा सा छोटा, मैं यहाँ साइज डालता हूँ, इसकी हाइट करता हूँ मैं 50, और जो अंदर की हाइट है ना इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, मतलब इसको मैं सब करता हूँ 0। ये हो गया आपका। और इसको मैं फिर से रैप करता हूँ विजेट में एक, जिसका नाम रो है। अच्छा ये रो नहीं जाएगा, मैं डिलीट करता हूँ फिर से इसको। मैं इसको देता हूँ थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस अराउंड 10 का, और पैडिंग दे देता हूँ यहाँ से। पैडिंग वही लेफ्ट राइट दे दूँगा सिर्फ, 10 करता हूँ, 10 यहाँ से भी कर दे रहा हूँ। ये हो गया, मैं इसको करता हूँ कट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रखता हूँ रो, ये रो हो गया आपका। रो को मैं पैडिंग दे देता हूँ लेफ्ट राइट में 5 का कर दे रहा हूँ यहाँ से, और ये भी कर दे रहा हूँ यहाँ से 5 का। अब इसके अंदर हमको डालना है टेक्स्ट फील्ड, इसको लेके आते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं इसको 5 कर दे रहा हूँ यहाँ से, नहीं इसको रहने देता हूँ, इसको नहीं करने की जरूरत है इनको। ये हो गया आपका। उसके बाद इसी में एक चीज़ और ऐड करना है आपको, आइकॉन।
कट करेंगे इसको, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे आइकॉन, इसमें ऐड करें देंगे हम लोग आइकॉन एक। अभी हमारा हो गया है सही तरह से। इसको मैं देता हूँ थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस नहीं तो ये दिल है, बॉर्डर रेडियस पहले से, मैं इसको देता हूँ थोड़ा सा बॉर्डर कलर जो है आपका ग्रे कलर का, बॉर्डर कलर आपका ग्रे कलर का है। मैं यहाँ से बॉर्डर कलर ग्रे देता हूँ, ग्रे सेकेंडरी टेस्ट में आ गया आपके ये, हाँ अब सही है। इसको थोड़ा सा लाइट कलर देना है तो मतलब मैं ये कर दे रहा हूँ यहाँ से, अगर ये चल जाए, हाँ सही है यही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्कैन का अगर कुछ मिले हमको, आइकॉन मिल गया यहाँ से तो ये हो गया, ये QR कोड स्कैन का है, तो प्रॉपर वो वाला आइकॉन नहीं मिल रहा है। हमारा आइकॉन भी इंटीग्रेट हो गया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाना है एक सर्च बॉक्स, मतलब एक सर्च बटन दिखानी है हमें, तो इसके लिए मैं आपको इसमें ले जाता हूँ लीडिंग में। लीडिंग में यहाँ से हम लोग देखेंगे सर्च का, सर्च का ये रहा, और इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक कलर, क्योंकि आपके अमेज़ोन में वो ब्लैक कलर का होता है। ये हो गया, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सर्च amazon.in, या तो आप अपना एप्लीकेशन का नाम लिख लेना यहाँ से, सर्च सर्च फॉर प्रोडक्ट कर लो आप amazon ना करके। मैं नीचे आता हूँ यहाँ से, नीचे आने के बाद थोड़ा सा मैं अगर कंटेंट पैडिंग करूँ, देखूँ सही लगता है कि नहीं लगता है, ये ऊपर चला गया, ये नहीं सही नहीं लग रहा है। ये मैं कंटेंट पैडिंग करता हूँ, इसको फिर से थोड़ा सा 10 कर दूँगा, नहीं बीच में नहीं आ रहा है, ये 20 काफ़ी नीचे चला जाएगा, 15 ये हो गया आपका बीच में। और थोड़ा सा मैं लेफ़्ट से भी पैडिंग दे देता हूँ 10 की। एक्चुअली ये दिक्कत होता है आपके आइकॉन की वजह से, तो मैं थोड़ा सा आइकॉन की अगर साइज़ छोटी करूँ, मतलब अराउंड 20, हाँ ये सही हो जाएगा, अच्छा लग रहा है। और ये तो हो गया, उसके बाद हम देखते हैं हमें एरर क्या आ रहा है। एरर में आ रहा है आपका कस्टम कलर में दो, मतलब टू और मोर कलर इज द सेम बेस नेम। अच्छा ये मैं आपको एरर पहले वाले में बताया था, ये देखो आप दोनों सेम बेस है तो इसमें आप वन कर सकते हो इसको। एक रिमूव हो गया, एक और है ये वाला, मैं पहली वाली सीरीज में बताया था इसको, इसको मैं टू कर दूंगा, वो एरर सही हो जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो दोनों नाम था ना ये, वो दोनों सेम था तो इसलिए वो एरर कर रहा था वहाँ पे। ये हो गया हमारा, ये हमारा ऐप बार बन के रेडी हो गया है। उसके बाद आता है नीचे एक आपको मिल जाएगा सेलेक्ट अलोकेशन, सेलेक्ट अलोकेशन वाला पैनल है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हम जब इसको स्क्रॉल करते हैं तो पूरी तरह स्क्रॉल हो जाता है। उसका मतलब ये है कि ये कॉलम में ही है, वो ऐप बार के अंदर नहीं है, मतलब उसमें आप ऐप बार में एक बॉटम सेक्शन भी ऐड कर सकते हो, बट वो बॉटम सेक्शन में नहीं आता है, वो आपका सीधे इसी में आता है जो आपका पेज होता है ये। उसके लिए हम यहाँ पे रो पे जाएंगे, रो में आने के बाद ये बैकग्राउंड कलर है इसका थोड़ा सा, मतलब बैकग्राउंड कलर अगर दिया है तो ये आपका कंटेनर लगा है, इसमें कंटेनर डालते हैं एक, इसको यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ, स्ट्रेच कर देता हूँ यहाँ तक, और कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा इसे, ये इतना बड़ा सही रहेगा, हाँ इतना बड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद फिल कलर पे आता हूँ, जो हमारा ये था इसी सेम कलर नहीं, इसमें थोड़ा सा डल कलर है उसका, डल करने के लिए बस आप एक काम करना इसको थोड़ा सा, अब ये सही लग रहा है, थोड़ा सा मैं और करता हूँ इसको कम, इसको और कर दूँ कम, तो हाँ अब थोड़ा सा अब सिमिलर लग रहा है उसी तरह। इसमें हो गया आपका ये, उसके बाद आप इसमें एक रो डाल दीजिएगा, या तो आप एक काम भी कर सकते हो ना, मैं जैसे मैं एक यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेप लिख चला गया हूँ, पहले रो डाल दिया, आप पहले चाहो तो कॉलम भी डाल सकते हो, जैसे ये है आपका, आप यहाँ पे कॉलम भी डाल सकते हो, जैसे मैं इसको अगर स्ट्रेच कर दूँ यहाँ तक, और इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे इतना बड़ा कर दे रहा हूँ इसको। उसके बाद अपना कलर फिल करता हूँ यहाँ से, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे रो डाल सकता हूँ, दोनों चीज़ सेम होती है, तो आप जिस तरह आपको सूटेबल लगे उस तरह से कर सकते हो आप। पैडिंग दे देता हूँ 5 की मैं यहाँ से सभी साइड से,
उसके बाद एक आइकॉन ऐड करते हैं यहाँ पे। आइकॉन में ये आपका ब्लैक कलर का है और छोटा दिख रहा है आइकॉन, तो 20 कर देता हूँ। यहाँ पे लोकेशन का आइकॉन रहेगा, ये लोकेशन सिंपल ये वाली है, या मैं एक और देखता हूँ, नहीं यही वाली है। ये हो गया लोकेशन आपका। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट थोड़ा सा स्पेस देखिए, तो मतलब लेफ्ट से मैं थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ इसे। इसको कर देता हूँ ऑटो साइज़, मतलब ये फ़ोन के अकॉर्डिंग अपनी साइज़ चेंज करता रहेगा। अब लिख देता हूँ सेलेक्ट लोकेशन टू सी अवेलेबल प्रोडक्ट, ये हो गया आपका। थोड़ा सा अगर मैं इसको और पैडिंग दे दूँ, यहाँ से कर देता हूँ 10 की पैडिंग, इसे 10 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10। ये प्रोडक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, दो बार पी हो गया है, अब हो गया ही सही। ये आपका थिन है, मतलब नॉर्मल में नहीं है, थिन में, तो लाइट कलर में है ये। हाँ ये हो गया आपका। उसके बाद आपको एक इस रो मिलता है जिसमें आपका मोबाइल, फैशंस, इलेक्ट्रॉनिक डील्स और ये सब लिखा रहता है। इसको बनाने के लिए आप रो पे आ जाना यहाँ से। उसके बाद आप इसको दे देना पैडिंग, ऊपर की पैडिंग मत देना क्योंकि वो भी एकदम उसी में लगा हुआ है, ये थोड़ी सी पैडिंग है इसकी, तो 10 कर दो आप इसकी पैडिंग। हाँ ये रही पैडिंग 10, 10 ना करके थोड़ा सा 5 कर दो इसे, और वैसे भी सब साइड से करना है तो 10 कर दो आप इधर से, और इधर से कर दो, और नीचे का 5 कर दो। 5 हटा देते हैं क्योंकि नीचे वाली पैडिंग हम लोग टॉप वाली दे देंगे, तो वो 5 5 + 10 हो जाएगा। मतलब जैसे ये वाला आपका है, ये एक विजेट है, इसमें अगर आपने नीचे पैडिंग दिया है, मान ली हम 5 कर दे रहे हैं, तो ये दोनों पैडिंग मिला के 10 हो जाती है, तो इसको जल्दी नीचे वाला नहीं दिया जाता है। इसको बनाने के लिए हमको दो चीज़ ज़रूरत है। पहला है आपका मतलब एक कॉलम, बेसिकली एक कंटेनर, उसके अंदर कॉलम है, तो कंटेनर रखते हैं यहाँ पे। कंटेनर करते हैं थोड़ा सा छोटा यहाँ से, और कंटेनर का जो कलर रहेगा वो रहेगा पूरी तरह से आपका ट्रांसपेरेंट। ये आपका कंटेनर यही रहा। अब उसमें है आपका कॉलम, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये हो गया कॉलम। कॉलम के अंदर आपका इमेज है, इमेज रहा ये। इमेज के अंदर है आपका टेक्स्ट, ये टेक्स्ट रहा आपका, और टेक्स्ट जो है आपका कॉलम में वो है सेंटर में। ओके ये सही है, बिल्कुल सही है। ओके इसको हम लोग कर देते हैं सेंटर में, कुछ तरह इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद इसकी साइज जब कम करेंगे अपने आप सही हो जाएगा, और थोड़ा सा स्पेस है इसमें तो मैं कर देता हूँ इसको थोड़ा सा स्पेस 5 का। ये हो गया आपका इस तरह से, और ये तो नहीं होगा, मतलब ये तो बन के तैयार हो गया आपका। यहाँ पे आप चाहो तो मोबाइल फ़ोन का लगा सकते हो, फैशन का लगा सकते हो, इस तरह से कैटेगरी बन जाएगी। तो मैं इसको अभी इतना रहने देता हूँ, आप चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा जा रहा है बाहर, एक मिनट, ये बाहर जा रहा है, मतलब ओवरफ्लो दिखा देगा यहाँ से इसको। ये रो है, रो से बाहर जा रहा है, तो इसको करने के लिए आप नीचे से पैडिंग दे देना, अगर ये सही नहीं हुआ अभी तो। अच्छा अभी नहीं सही हुआ है, हमारा जो कॉलम है यहाँ तक जा रहा है, और हमारा कंटेन इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब कॉलम, हाँ आप कॉलम सही है, और इसमें मैं कर देता हूँ इसको ऐसे, और जो हमारा कंटेनर एक्चुअली हमने लगा के रखा ना यहाँ पे, एक मैं इसको काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ छोटा, इतना बड़ा, ये सही लग रहा है। और उसके बाद मैं इसका अगर साइज़ कम करना चाहूँ, 10 कर दे रहा हूँ, 10 को कर दिए हुआ तो यहाँ थोड़ा सा इसको मीडियम कर देना कि साफ साफ दिखे ये। अगर नहीं दिख रहा है तब इसको आप नॉर्मल रहने दो, और 11 कर दो, कोई दिक्कत नहीं इसको। अब जैसे यहाँ पे लिख सकते हो मोबाइल्स, MOBILES मोबाइल्स हो गया आपका, तो ये दिखेगा। अगर स्पेस देना है सबके लेटर की स्पेस बीच में देना है, तो आप इसको 4 कर सकते हो या 2 कर सकते हो, 1 कर दो इसको,
थोड़ा दूर दूर दिखेगा ये, ऑटो साइज कर देना। ये हो गया आपका मोबाइल्स का बन के रेडी। इसी तरह आप जब रो जनरेट करोगे यहाँ पे तो वो यहाँ से बन के रेडी हो जाएगा सब कुछ। अगर आप चाहो तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ, लेकिन अगर हम लोग बाद में जब बैकएंड ऐड करेंगे तो हमको फिर से ये सारा डिलीट करना पड़ेगा। ऐसे मैं करके दिखा दूँगा आपको। जैसे ये वाला हमारा कंटेनर है, कंटेनर का मैं डुप्लीकेट करूँ तो ये तो डुप्लीकेट तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग जब बैकएंड ऐड करेंगे ना अपना, तो हमको दिक्कत होगा सब डिलीट करने में, इसलिए मैं इसको नहीं ऐड करता हूँ जल्दी। बस एक, मतलब अगर रो के अंदर है तो एक डिज़ाइन बना लो आप, उसके बाद वो तो रेप्लिकेट हो जाता है। पैडिंग दे दिया हूँ तो ऐसे इस तरह से बन जाएगा आपका। ये हो गया मोबाइल का। उसके बाद आपका एक पेज व्यू टाइप में है जो स्क्रॉल करने से चलता है, तो उसको करने के लिए आपको पहले एक रैप ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से रैप ऐड करके देखता हूँ, यहाँ पे रैप ऐड कर रहा हूँ। इसको मैं देता हूँ थोड़ा सा पैडिंग, मतलब 10 का दे देता हूँ पैडिंग। अब इसमें हम लोग एक ऐड कर रहे हैं पेज व्यू, अगर ये काम कर जाता है तो। पेज व्यू ये वाला रहा पेज व्यू आपका, हाँ पेज व्यू है ये आपका। इसमें हम सेटिंग देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सो इंडिकेटर्स को बंद करते हैं हम लोग। प्रीव्यू पेज है ये आपका। प्रीव्यू पेज में हम लोग एक इमेज ऐड करते हैं। इमेज ये आपका पूरा इतना बड़ा इमेज हो जाएगा ये आपका। एक्चुअली ये बड़ा नहीं होगा क्योंकि पेज भी यहाँ तक है, तो इसको देखता हूँ यहाँ से हो गया ये आपका। इसको अगर थोड़ा सा और बड़ा करना है हमको तो एक काम करते हैं, मार्जिन हटाता हूँ मैं यहाँ से, कर देता हूँ मार्जिन। अब पेज व्यू पे आता हूँ। पेज व्यू को मैं हाइट जो इसकी है इंक्रीज़ करके 600 कर दे रहा हूँ। ये नहीं बढ़ने वाला, मैं फिर से देखता हूँ हाइट। एक्चुअली अच्छा, इसका अपने पेरेंट का ये हाइट ले चुका है तो ये बढ़ेगा नहीं। और अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करूँ, अगर रैप को, नहीं नहीं रैप का क्लिप कंटेंट कर देता हूँ इसको, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो हो गया आपका, ये तो बन के रेडी हो गया ये आपका। अगर आप चाहते हो इंडिकेटर शो करना तो आप इंडिकेटर शो करा सकते हो यहाँ से। पेज व्यू में आ जाना। पेज व्यू में आने के बाद आप यहाँ से इंडिकेटर कर दो। इंडिकेटर की साइज आप छोटी बड़ी कर सकते हो, जैसे मैं अगर 10 कर दूँ इसको और डॉट हाइट आपकी 10 कर देता हूँ यहाँ से 10 कर दूँ, या तो फिर मैं कर देता हूँ इसको 5, ये भी कर दूँ अगर 5 में तो ये छोटा सा दिख रहा है आपको। एक्टिव कलर में आपको करना है ग्रीन, उसके बाद यूज कलर कर लो। इन एक्टिव कलर में कर देना इसको वाइट। ये हो गया आपका। एक्सपेंशन फैक्टर 1 कर दे रहे हैं तो आपको ये गोल सा दिखेगा, मतलब सर्किल में दिखेगा पूरा। इसको अब थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, नहीं नहीं जाने देता हूँ, ये जैसा है वैसे रहने देता हूँ इसको, लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा दिखना चाहिए, अच्छा लगेगा। 9 नहीं, हाइट तो 1 मिनट, हाइट भी इतना रखता हूँ और इसका विड्थ भी इतना रखता हूँ। ये हो गया। हाँ आप सेम हाइट सेम विड्थ रखोगे तो वो आपको दिख जाएगा, मतलब एक सर्किल में बन जाएगा ये। ये हो गया आपका। इसको हम लोग कर लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं करते, ये भी नहीं रहेगा, इसमें आप ऐसे चला जाएगा इधर ये। एक्चुअली ये बॉक्स फिट चेक करता है कि बॉक्स में फिट हो पाएगा कि नहीं कोई इमेज। ये हो गया आपका इस तरह से रेडी। उसके बाद एक आता है आपको, इसमें इसके जस्ट नीचे देखोगे तो उसमें वो मतलब एक कॉलम बनाया, एक रो बनाया है, रो के बाद में एक कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर ग्रिड व्यू लिया है, तो आओ उसको बनाते हैं। थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग है। उसके लिए आप यहाँ से रो ऐड कर लेना पहले। रो ऐड करने के बाद इसमें आपको ऐड करना है कंटेनर। चाहो तो आप यहाँ से रो को पैडिंग दे सकते हो, मतलब सभी साइड्स मत देना। यहाँ से 10 की पैडिंग यहाँ से दे दो और इस 10 की पैडिंग आप यहाँ से दे दो। ये कंटेनर है आपका, आप इसकी थोड़ा साइज़ बढ़ाओ, ये भी साइज़ यहाँ से नीचे करो। ये हो गया। अब इसके अंदर डालते हैं ग्रिड व्यू, रैप डालते हैं। ये रहा रैप आपका। रैप के अंदर आपका ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू ऐड हो गया था। उसके बाद सॉरी ग्रिड व्यू नहीं, आपका रैप ऐड हुआ था। अब
रैप के अंदर हमें ग्रिड व्यू ऐड करना है, तो ग्रिड व्यू करने के लिए आप यहाँ पे लिख देना ग्रिड, उसके बाद यहाँ पे इसको रख देना। वर्ड क्रॉस एक्सिस काउंट जो आपका रहेगा वो 2 का रहेगा, और अभी इसको जैसे है वैसे रहने देना। इसमें ऐड करते हैं हम लोग कंटेनर, तो कंटेनर ऐड करेंगे यहाँ पे, इतना बड़ा हमें कंटेनर मिल रहा है, ठीक है, हमें 2 का ही करना है यहाँ से। तो अब एक बार हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से, उसके बाद ये रहा हमारा, फिर डुप्लीकेट करते हैं ये रहा, और उसके बाद फिर डुप्लीकेट करते हैं ये रहा। ये आपको कंटेनर दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे दे रहा हूँ, बॉर्डर कलर दे देता हूँ। ये देखो आपका ये कंटेनर है, बॉर्डर कलर देता हूँ यहाँ से मैं, फिर इसको बॉर्डर कलर, उसके बाद इसको भी बॉर्डर कलर, थोड़ा सा यहाँ से बॉर्डर कलर हो गया आपका ये वाला, ये आपका है। बट आप देख पा रहे हो कि आपको मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ, अगर एक मिनट नीचे लाता हूँ यहाँ से, आप ये देखो इसके पीछे एक कंटेनर है, मतलब ये वाला जो कंटेनर हमारे पास है, इसको मैं अगर थोड़ा सा बॉर्डर कलर दे दूँ, तो ये देखो आप, ये इसके अंदर है, मतलब ये आउटफ्लो हो रहा है, मतलब जो आपका ग्रिड व्यू है ना वो बाहर आ जा रहा है। उसको सही करने के लिए आप कंटेनर पे आना, इसको थोड़ा सा आप हाइट दे दो यहाँ तक की, जो ग्रिड व्यू है ना उसको, ग्रिड व्यू को आप दे दो पैडिंग 5 की। ये देखो आपका उसके अंदर चला गया है। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद, मतलब जो आपका कंटेनर का जो बॉर्डर कलर है उसको मैं कर देता हूँ क्लियर, ये हो गया आपका। उसके बाद इसी बॉर्डर को, मतलब इसी कंटेनर को हमें थोड़ा सा एलिवेशन देना है, कंटेनर में आते हैं एलिवेशन देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये। इसको हम कर देते हैं 5 का एलिवेशन, और बॉर्डर रेडियस हमारा रहेगा 5 का, सभी साइड से 5 का ना करके मैं 10 का कर देता हूँ, 5 10, ये हो गया। हाँ, अब ये कंटेनर है, कंटेनर को आपको कुछ नहीं करना है, इसका भी क्लियर करता हूँ कलर। और थोड़ा सा अगर आपको बड़ा दिखाना है ना इसको, इन सब चीज़ों को बड़ा दिखाना है थोड़ा सा, तो आप एक काम करना, ग्रिड व्यू का जो ये है इसमें 0.9 कर दो, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो इसके लिए आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, ये इसको करना है नीचे, ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया, अब सही है। ये कंटेनर में अब आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें ऐड करनी, पहला इमेज है, दूसरा आपका टेक्स्ट है। उसको करने के लिए आप कॉलम ऐड करना है यहाँ पे, कॉलम के अंदर आपको रखना है इमेज, सर्कल इमेज है, ध्यान रखना सर्कल इमेज होता है यहाँ पे। सर्कल इमेज का आप वेट जो है 50 कर देना यहाँ से, 50 ना करके आप 40 कर दो इसे, 40 हो गया ये 40, और 40 करने के बाद आप इसको टेक्स्ट दे दो। टेक्स्ट में आप इसकी साइज कर दो छोटी, अराउंड 12 की, लाइट रहने दो इसको। उसके बाद लेटर स्पेसिंग 0.5 कर दो आप यहाँ से, कर देना इसको सेंटर में, जैसे यहाँ पे आपको लिखना है अमेज़न पे। अभी भी ये डब्स मल्टी लाइन चला जा रहा है, इसको और कम करो, हो सकता है सही हो जाए। हाँ, ये सही हो गया है। और जो आपका कॉलम है ये, इसे कर दो आप स्पेस इवन पे, मतलब इवन स्पेस पे, तो जितनी बराबर स्पेसेस ले लेगा ये अपने जितने विजिटर्स के उसके अंदर में। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट वेट बढ़ा के मैं कर देता हूँ नॉर्मल पे इसको, अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अब सेम इसी चीज़ को हमको कॉपी करना है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट यहाँ से, हम इसको करते हैं कॉपी, सॉरी डुप्लीकेट करते हैं, एक मिनट, कॉलम को नहीं हमें डुप्लीकेट करना है, हमें डुप्लीकेट करना है कंटेनर को, कंटेनर करते हैं यहाँ से डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट करते हैं इसको, इसको करता हूँ डुप्लीकेट, ये हो गया। अब हमें इसी कंटेनर को सभी साइड से पैडिंग दे देना है अराउंड 10 की। अब अगर हम चाहें तो इसी कंटेनर को हम डुप्लीकेट करते हैं तो हमको बिल्कुल अमेजन तरह दिखेगा ये, डुप्लीकेट करते हैं इसको, और इसमें हम इस ऑन कर देते हैं स्क्रॉलेबल। अगर मैं आपको इसको प्रीव्यू करूं तो दिखा रहा हूं कैसे दिखेगा ये, इसको मैं कम करता हूं, इसको मैं करता हूं यहां से प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद आप जैसे नीचे आओगे यहाँ पे, ये देखो आपका स्क्रॉलेबल भी ऑन हो गया और अच्छा लग भी रहा है ये। इसमें आते हैं हम लोग, ये देखो आप
प्रीव्यू भी हमारा ऑन हो गया था और ये इस तरह से हमें अच्छा सा दिख रहा है, स्क्रॉल भी हो रहा है, ये भी आपका स्क्रॉल होगा। ये हमारा बंकी रेडी हो गया है। और आते हैं इसमें और क्या हमें ऐड करना है। उसके नीचे है आपका पे ऑन डिलीवरी, ईजी रिटर्न है, फ्री डिलीवरी ऑन फर्स्ट ऑर्डर है, ये सब ऐड करना है। तो इसको करने के लिए आपका सिंपल है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इसमें आप सीधे रो ऐड कर दो, ठीक है, ये आपका रो हो गया। रो को दे दो यहाँ से पैडिंग। रो देने के बाद यहाँ से आपको जब पैडिंग दे चुके हो आप, तो फिर आप यहाँ से एक सर्कल इमेज ऐड करना। सर्कल इमेज है ये, उसमें आपको देना है इसकी जो रेडियस होगी उसको देना है 30। यहाँ से 30 रेडियस दे दो उसका। आप एक काम और कर सकते हो, इसमें आपको सबको सबके साथ शो करना है, तो इसको डिलीट करना है यहाँ से। इसमें आ जाओ आप पहले रैप में। अगर मैं देखता हूँ कोई और विजिट ऐसा हो जहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल बना पाएँ ये वाला चीज़, उसके लिए आपको शायद ट्रांसफॉर्म नहीं काम करेगा, पिन कोड नहीं काम करेगा। आते हैं क्या बनाते हैं, उसी तरह बनाते हैं हम लोग। पहले इसको ऐड करते हैं एक रैप यहाँ पे, ठीक है, ये रैप हो गया हमारे पास। अब रैप के अंदर जो इसको मैं कर देता हूँ क्लिक कंटेंट कर देता हूँ। क्लिक कंटेंट करने के बाद मैं इसमें डालता हूँ एक रो। रो डालते हैं यहाँ से। रो को मैं देता हूँ पैडिंग, थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ, मान लो मैं 10 की पैडिंग दे दिया यहाँ से। अब इसमें मैं ऐड करता हूँ सर्कल इमेज, सर्कल इमेज यहाँ से जो होगा 30। ये हो गया आपका सर्कल इमेज, ये रैप है। सर्कल इमेज से अगर मैं बाद में साथ में पैडिंग दे दूँ थोड़ा सा, तो इसमें हमको रो वाला पार्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं एक तरह से एक मिनट, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमम एक्सिस ले लेता है यहाँ से। रो के अंदर हम कॉलम डालें, ये हो गया कॉलम। कॉलम के अंदर हम डालते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट को हो गया यहाँ से, ये पैडिंग और हमको नहीं करना है कुछ ऐसा, पैडिंग नहीं देना है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पे ऑन डिलीवरी, DELIVERY हो गया, पे ऑन डिलीवरी हो गया ये आपका। लेटर स्पेसिंग हमें देना है, तो हम लोग एक मिनट काम करते हैं, मैक्स लाइंस बंद कर देते हैं यहाँ से। ये आपका मल्टीपल लाइन नहीं हो रहा है, मैं आपको इसको बाद में बताऊँगा किस तरह से आप इसको मल्टीपल लाइन में कर सकते हो। चलिए नीचे आते हैं यहाँ से हम लोग पे ऑन डिलीवरी। अब इसको हम लोग पूरी तरह से डुप्लीकेट कर लेते हैं इसे। हम लोग आते हैं पहले रो पे, रो के बाद हमारे पास रैप था, रैप को डुप्लीकेट करते हैं और उसके बाद फिर इसी रैप को डुप्लीकेट करते हैं यहाँ से। वो साइड में चला गया है, तो एक काम करते हैं, जो हमारे रैप की पैडिंग थी उसे हम लोग करते हैं बंद यहाँ से। हमारे पास रो था यहाँ से, इसको हम लोग करते हैं ज़ीरो। ज़ीरो करने के बाद हमारे पास कहीं और पैडिंग थी, ये वाली हो गई ज़ीरो। हाँ, इस तरह से हमें ये मिल गया अच्छे से। रैप हमारे पास आइए, इसको भी मैं करता हूँ बंद, यहाँ से करता हूँ ज़ीरो इसको। अगर हमारे ये मल्टी लाइन हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। पे ऑन डिलीवरी मैक्स लाइन में कट कर देता हूँ उसको, पे ऑन एक साथ करता हूँ, डिलीवरी यहाँ पे हो गया, ये हो गया अच्छा तरह दिख रहा है आपको। उसके बाद इसमें था आपका इजी रिटर्न, इसमें था इजी रिटर्न, EASYRETURN, इजी रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से। इसमें भी मैं मैक्स लाइन हटा दे रहा हूँ, ये मैक्स लाइन हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद इसमें था आपका फ्री डिलीवरी ऑन फर्स्ट ऑर्डर, फ्री डिलीवरी ऑन फर्स्ट ऑर्डर, फ्री डिलीवरी ऑन फर्स्ट ऑर्डर, इसको मैं कर रहा हूँ जीरो यहाँ से। ये हो गया बन के रेडी। अब उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, उसमें आपको मिनी टीवी जो आता है आपका अमेज़ॉन का, उसे शो करना है। तो उसके लिए आप एक शायद ये वीडियोस तरह शो कर रहा है,
तो चाहो आप उसका बना सकते हो या तो फिर रहने देना, नीचे आते हैं या तो आप कहो तो बना दें इसको हम। चलिए इसको बना दें, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हमें वीडियो प्लेयर ऐड करना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपका वीडियो प्लेयर विजिट होगा तो वीडियो के लिए, हाँ वीडियो प्लेयर है आपका तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ से। इसके बाद मैं काम करता हूँ इसको, तो मैं पहले ऐसे करता हूँ, आता हूँ इसको और इंक्रीज़ करता हूँ साइज़ की, कि मैं और चीज़ें बनानी है तो साइज इंक्रीज़ करेंगे यहाँ से। इसको मैं करता हूँ कम, उसके बाद एक्सपेंड करता हूँ नीचे तक इसको। नीचे आते हैं यहाँ पे लेके, ये रहा आपका। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं वीडियो प्लेयर। वीडियो प्लेयर ऐड करना है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो प्लेयर सीधे उठा के यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। ये आपका वीडियो प्लेयर रहा, यहाँ पे आप मैं कर देता हूँ 10.5 की पैडिंग ऊपर से। उसमें लिखा है वॉच फॉर फ्री, मिनी टीवी लिखा हुआ है। आप यहाँ पे रो ले लेना है, रो लेने के बाद यहाँ से आप कर दो उसको 10 में। यहाँ पे टेक्स्ट इंटर कर दो एक, ये आपका रहेगा बोल्ड में, ये रहेगा बोल्ड आपका वॉच फॉर फ्री, वॉच और फ्री। सेंटर में करते हैं इसको, यहाँ से सेंटर में हो जाएगा। साइज इंक्रीज करता हूँ इसकी, मैं साइज है अराउंड 24 की। यहाँ से डिवाइडर डाल देंगे बीच में यहाँ पे छोटा सा। हाइट इसकी करते हैं 50 ना करके हम कर देते हैं इसकी हाइट 25 के अराउंड। कलर देते हैं यहाँ से ब्लैक। थिकनेस हम लोग कर देते हैं इसकी 2, थिकनेस ऐड कर दी थी 2। उसके बाद हमें एक इमेज ऐड करना है यहाँ पे। मैं इमेज इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपको वॉच मिनी टीवी वाला जो दिखा रहा था, दिखाता है हमेशा, वो एक इमेज है, कोई विजेट नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है वो। तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो जैसे उसका। एक बार काम करता हूँ इसको, हाँ हो गया ये। अब हमें आना है अपने मेन वाले, जहाँ पे हमको प्रोडक्ट शो करना है। प्रोडक्ट शो करने के लिए ये तुम्हारा विजेट बन के तैयार हो गया था। एक हमें प्रोडक्ट का एक विजेट्स बनाना है, तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे। कॉलम पे आते हैं, ये हमारा कॉलम है, उसमें आते हैं रो पे। रो में आने के बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देते हैं पैडिंग इसको सभी साइड से। ये बोल्ड में रहेगा आपका। फॉन्ट वेट करता हूँ इसको मैं बोल्ड। फॉन्ट वेट के बाद फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ इसकी, लिखता हूँ स्टार्टिंग एट रुपीज़, स्टार्टिंग एट रुपीज़। एक्चुअली हाँ, इसमें मैकबुक में नहीं लग रहा कि रुपीज़ का सिंबल आता हो कहीं से, मैं चेक करता हूँ। रुपीज़ का सिंबल हाँ मिल गया मेरे को, रुपीज़ 199। उसके बाद एक बीच में ऐसे है डील्स ऑन फैशन ब्यूटी। एक मिनट, ये बाहर जा रहा है ना, एक काम करता हूँ इसको मैं टेस्ट को कट करता हूँ यहाँ से। कट करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अरे यार मैं क्या पेस्ट कर दिया, एक मिनट मुझे ये कट करना है। कट करता हूँ यहाँ से, इसको डिलीट करता हूँ, कर देता हूँ इसे पेस्ट। देता हूँ पैडिंग इसे मैं थोड़ा सा 10 की पैडिंग देता हूँ यहाँ पे। ब्यूटी हो गया ये, किचन एंड मोर, ये हो गया आपका यहाँ से। अब इसमें एक ऐड करना है हमें इमेज। ये पैडिंग में अच्छे से लग रहा है हमें, और मैं थोड़ा सा इसकी जो लाइन हाइट है उसे सही करता हूँ यहाँ से। लाइन हाइट में मैं 0.9 करूँ अगर इसको, नहीं 1 कर देता हूँ, 2, 1.5 सही लग रहा है ये, अब ये सही है। स्टार्टिंग की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, स्पेलिंग प्लीज़ आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि
मेरी स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। इसमें आते हैं, इमेज रखते हैं, इमेज की मैं साइज इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ से। ये रहा इमेज आपका, इमेज हो गया ये। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको और कम करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है इसे, तो इसको नीचे मैं कर देता हूँ। अब इसको मैं स्क्रीन पे लाता हूँ, यहाँ से नीचे करता हूँ इसको। इमेज हो गया ये वाला हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक रो लेना है यहाँ से। रो में हमको देना है पैडिंग, जो लिखा होता है डील कितनी परसेंट ऑफ है। उसके लिए हमको एक और कंटेनर लेना है यहाँ से, कंटेनर को रखना है कम। ये करता हूँ ऐसे, मैं कंटेनर कर देता हूँ, थोड़ा सा और हाइट बढ़ाऊँ इसकी। इसको करता हूँ ऐसे, फिल कलर करता हूँ यहाँ पे, रेड है ये, रेड कलर करता हूँ, यूज़ कलर। उसके बाद इसमें एक टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, टेक्स्ट ये रहा आपका। इसको आप कर दो 0, तब ये आ जाएगा बीच में, सेंटर में आ जाएगा ये। प्राइमरी टेक्स्ट कलर आपका हटा के इसको कर दो वाइट। वाइट करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आपका ऑफ़र चल रहा है, जैसे ₹424 एंड अंडर। नॉर्मल से हटा के इसको आप कर दो मीडियम पे। फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देना यहाँ से। कंटेनर है ये आपका, इसकी हाइट थोड़ा सा कम करो, अच्छा लगेगा ये अच्छा है। उसके बाद इसी टेक्स्ट को आपका लेना कॉपी, यहाँ कर देना पेस्ट। पेस्ट करने बाद थोड़ी सी हल्की सी पैडिंग देना यहाँ से। इस कलर, इसका कलर रखना है, हमें रखना है वो रेड। यूज़ कलर कर लेना यहाँ पे, रेड हो गया। मीडियम ना करके इसे करना है सेमी बोल्ड। डील ऑफ द डे, डील ऑफ द डे। कंटेनर को मैं थोड़ा सा देता हूँ रेडियस, ज़्यादा नहीं, बस 2 का देंगे हम यहाँ से। ये हो गया हमारा बनके रेडी। अब एक और टेक्स्ट हमें ऐड करना है, जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था उसी जस्ट हम लोग पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये वाला कॉपी किया था ना हमने, इसी रहा हमारा पेस्ट हो गया था ये। अब इसको मैं रैप करता हूँ आपका रो में। रो को मैं देता हूँ पैडिंग, सभी साइड से नहीं, मैं सिर्फ 10 पैडिंग दे रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट ऑफर एंड स्टाइलिश वॉच, मतलब जो ये शो करेगा उसी का ये दिखाएगा यहाँ से। टॉप डील्स फ्रॉम फिटनेस मंत्रा या तो फिट बेस्ट ऑफर्स, इन सबको दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। एक मिनट, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये वाइट कलर में है। प्राइमरी टेक्स्ट पे आते हैं, इसको कर देते हैं बेस्ट, बेस्ट डील्स ऑन द प्रोडक्ट। ये हो गया। उसके बाद आपको अगर शो कराना कि यूज़र ने कौन सा रिसेंट प्रोडक्ट देखा है, तो इसको यहाँ पे कर देना आप। थोड़ी सी देना पैडिंग, पैडिंग देने के बाद आप यहाँ प्रोडक्ट का इमेज रख सकते हो। ये हो गया आपका इमेज, इसको दे देना पैडिंग आप लोग। पैडिंग हो गया था, तो अब इसको बॉर्डर रेडियस दे दो। और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा बनाते चले जाएंगे, क्योंकि जो आपका ये है अमेज़न का जो होम पेज है वो एक तरह से फीड है, तो हमेशा आते चला जाएगा यहाँ से। अब इसको कर देता हूँ मैं स्क्रॉलेबल ऑन, जो हमारा कंटेनर का था, सॉरी कॉलम का जो था हमारा, इसको ऑन कर देता हूँ, तब ये स्क्रॉल होते रहेगा। ये आपका बन के हो गया है रेडी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपको पहला फर्स्ट पेज दिखा दिए हैं। अब सेकेंड सीरीज़ में हम लोग देखेंगे प्रोफाइल पेज कैसे बनाया जाता है, थर्ड में देखेंगे कार्ट वाला पेज कैसे बनता है, उसके बाद फोर्थ में देखेंगे कि हमारा जो मेनू का पेज होता है वो कैसे बनता है। अगर आपको कोई डिज़ाइन बनवानी है मुझसे, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे या तो मेरे मेल पे डिज़ाइन भेज दो, मैं उसे बनाऊंगा। अगर मेरे को अच्छी डिज़ाइन मिल जाती है कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो मैं उसे बनाऊँगा। अमेज़न को आप लोग का जो ये सीरीज़ है उसे मैं कंटिन्यू रखता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। Have a nice day.